समूह का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की नई कड़ी में जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, भगवान शिव जो कि पार्वती के पति भी हैं, माता पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कई नामों से हम जानते हैं। तो इनके ही कई रहस्यों में से एक एक कर सारे रहस्यों को आज हम जानेंगे। तो पहला रहस्य है कि आदिनाथ शिव इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसी वजह से उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है मित्रों प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। तो यह था भगवान शिव को आदिनाथ क्यों कहते हैं।